Well, hello guys, welcome back to all of you. Today again I have an important question that is appear in CSIR NET in 2016 and 17 in both of year, and in both of year it was appear in the section C, and it is quite easy and important question. So welcome back to all of you in the series of GATE, NET, SET and JAM. Okay, here I'm providing you some important questions, whatever they are appear in previous year or whatever they are tentative to appear in your future exam. Okay guys, so let's see. In this question you have given the two matrices are given, the P and Q, and both are invertible matrices such that the PQ is equal to minus of QP. Then you have to find out, okay, P भी इन्वर्टिबल है, Q भी इन्वर्टिबल है, और आपके पास एक चीज़ और गिवन है आपको कि PQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP है, तो आपको बताना है कि ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ Q होगा, ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू दिस, ये ऑप्शन यू हैव. तो ट्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैट्रिक्स में हम ट्रेस को मानते हैं कि जब हम डायगोनल को सम करते हैं तो वो जो सम आता है उसको हम ट्रेस मान के चलते हैं. ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो आई होप सो कि आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, नहीं भी पढ़ रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी. तो दोस्तों आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले P और Q दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं और आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है. ओके, और गिवन क्या है, गिवन चीज है ये PQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP. ओके, तो हेयर गाइज PQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP, मैं इसी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं. तो लेट्स बिगिन फ्रॉम हेयर. व्हाट यू हैव गिवन, PQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू एंड पी, इट इज गिवन टू यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं क्यू से दोनों तरफ. ओके, तो यहां पे मेरा क्यू है तो पोस्ट मल्टीप्लाई में करता हूं किससे, क्यू इनवर्स से, यहां पे भी एंड इज इक्वल टू माइनस क्यू एंड पी एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू इनवर्स, बोथ ऑफ साइड वी हैव डन. ओके, नाउ सी द रूल ऑफ मैट्रिसेस दैट क्यू एंड क्यू इनवर्स दे विल बी वेनिश एंड पी इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास माइनस ऑफ क्यू एंड पी एंड क्यू इनवर्स. ओके, अब दोस्तों क्या कीजिए, आप दोनों तरफ ट्रेस लीजिए, यहाँ पे भी लिखिए ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस क्यू एंड पी एंड क्यू इनवर्स. ओके, नाउ वी हैव द सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, और वो प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास ट्रेस की, सॉरी वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, द टू प्रॉपर्टीज दैट आर एसेंशियल वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन. द वन इज इफ यू हैव द ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, कोई कांस्टेंट यानी कि मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो तो लैम्डा इनटू ट्रेस ऑफ ए, लैम्डा यानी कि बाहर आ सकता है, ट्रेस ऑफ ए आप ऐसे लिख सकते हैं. और दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, अगर ट्रेस ऑफ आपका ए बी लिखा है तो अगर आप बी ए करेंगे तो भी ट्रेस क्या आएगा, इक्वल ही आएगा. ओके, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, और ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा ट्रेस ऑफ ए. तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर देंगे. अब देखो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ मेरी एक मैट्रिक्स और ये मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स. ओके, तो इसका मतलब मैं सबसे पहले नेगेटिव है, नेगेटिव को बाहर लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डाज प्रॉपर्टी. तो ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ क्यू पी इनवर्स, सॉरी पी क्यू पी एंड क्यू इनवर्स. अब जब आप इन दोनों को ए और बी मान के इस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा, माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए एंड क्यू इनवर्स क्यू एंड पी, एम आई राइट? तो हियर क्यू इनवर्स विल बी कैंसल विद क्यू एंड इट विल बिकम्स माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ पी. ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ पी, उधर लेके जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा टू ऑफ ट्रेस P and which is equal to what, which is equal to 0, and here it is given to you that trace of P is equal to 0. अब दोस्तों ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है. अब सिमिलरली अगर आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया था किसके साथ, Q के साथ. ओके, तो फर्दर आप अगर प्री मल्टीप्लाई करते हैं P इनवर्स के साथ तो आपको यहाँ से मिल जाएगा प्री मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स, देन यू गोट ट्रेस ऑफ क्यू मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो.
तो ये मेरे पास दो रिज़ल्ट आए हैं और इन दोनों रिज़ल्ट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है ना वो ठीक होने वाला है। यानी कि मेरे पास ट्रेस ऑफ पी जीरो आया और ट्रेस ऑफ क्यू भी जीरो आया है, तो लेट्स सी बट विच ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो एज वेल एज ट्रेस ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दे रखे थे ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ क्यू, तो यानी कि सबसे पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल ट्रेस ऑफ क्यू, क्योंकि दोनों हमारे जीरो आए हैं। सेकंड है ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल ट्रेस ऑफ क्यू इज इक्वल टू वन, नहीं ये ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकता। थर्ड है ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ क्यू। सी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ क्यू, ट्रेस ऑफ क्यू, तो यानी कि ट्रेस ऑफ पी कितना है जीरो, और इसको प्लस करके इधर यानी कि इसको उधर लेके जाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और इज इक्वल टू जीरो, तो यानी कि दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो, तो नो प्रॉब्लम, तो ये आपका जो है ना पार्ट सही होगा। मैंने आप पहले बताया आपको कि आपका क्वेश्चन अपीयर हुआ है सी वाले पार्ट में, ठीक है, मोर देन फोर मार्क्स के लिए। तो ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ क्यू, तो जीरो ये भी ठीक आएगा, ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ क्यू ये ठीक नहीं है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन आपका बन रहा है वन एंड टू, दीज टू ऑप्शन आर द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ओके, सो ऐसे ही बच्चों हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के अंदर अपीयर हुए हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं फॉर योर फ्यूचर एग्जाम वो भी मैं आपको देता चला जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।